सो हेलो फ्रेंड, वेलकम एंड बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको स्नैपचैट ऐप के मदद से कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करके दिखाने वाले हैं, जो कि दिखने में काफ़ी अमेजिंग टाइप का लग रहा है। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लोगे तो आप भी ऐसा एडिटिंग करना सीख जाओगे, पूरा 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एंड चैनल पर पहली बार आए हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। एंड गाइस, इसमें हम जितना भी PNG यूज़ करेंगे सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से PNG डाउनलोड कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, हम अपने यहाँ पर अभी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो ये जो फोटो है इसको गैलरी से डायरेक्ट शेयर कर लेते हैं स्नैपचैट ऐप के अंदर। ओके, तो गाइस यहाँ पर हमारी जो फोटो है स्नैपचैट ऐप के अंदर आ गई है। तो स्नैपचैट ऐप के अंदर आ जाने के बाद सबसे पहले आपको पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है। पेंसिल आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाएगा विंगनेट वाला, तो विंगनेट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। एंड विंगनेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और इसके सैचुरेशन को पूरा बिल्कुल माइनस कर लेना है, ठीक है। और स्टाइल स्ट्रेक्स तो है इसको प्लस करके 35 कर लेना है, एंड फिर राइट क्लिक कर लेना है। सो गाइस, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे जो फेस के ऊपर भी ब्लैक टोन आ गया है, तो इसको हटाने के लिए आपको क्रॉस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको व्यू एडिट पे क्लिक करना है, एंड फिर विग्नेट के ऊपर क्लिक करना है, फिर ब्रश के ऊपर क्लिक करके आपको ये गोल वाला आइकन पे क्लिक करके आपको फोटो को जूम कर लेना है, ठीक है। फोटो को जूम कर लेने के बाद जहाँ जहाँ आपको इफेक्ट हटाना है वहाँ पर ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देना है, ठीक है, तो आपकी जो इफेक्ट है ब्लैक कलर का हट जाएगी। तो गाइस, हम थोड़ा अच्छी तरह से इसको हटा लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी आप थोड़ा संभल के हटाना, ठीक है। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा फेस है ये रिमूव कर दिए है इसका ब्लैक कलर का टोन जो था। एंड रिमूव कर लेने के बाद हम राइट क्लिक कर लेंगे, ठीक है। एंड गाइस, राइट क्लिक कर लेने के बाद बैक आ जाएंगे, और गाइस बैक आ जाने के बाद अब क्या करेंगे, हम अपने फेस को गोरा करेंगे। तो फेस को गोरा करने के लिए पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है, फिर सेलेक्टिव वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड सेलेक्टिव वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जहाँ पर गोरा करना है वहाँ पर एक बार क्लिक करना है, ठीक है। तो क्लिक कर लेने के बाद आपको दोनों उंगली की सहायता से इसके साइज को छोटा कर लेना है और इसके ब्राइटनेस को आपको इंक्रीज कर लेना है, जितना आपको गोरा करना है उसके ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है, एंड कंट्रास्ट को माइनस कर लेना है, ठीक है, और सेचुरेशन को भी माइनस, एंड स्ट्रक्चर को प्लस। एंड गाइस, आपको जहाँ जहाँ पर गोरा करना है पहले प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और वहाँ पर एक बार क्लिक कर लेना, एंड सेम वही टोन आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो गाइस, हम थोड़ा जल्दी जल्दी गोरा कर लेते हैं, हमको जहाँ जहाँ गोरा करना है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो फेस है एंड पूरा बॉडी जो है गोरा हो चुका है, एंड गोरा हो जाने के बाद इसमें एक टोन डालने वाला है, ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू टोन। तो उसको डालने के लिए पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे और ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक आपको वाइट बैलेंस वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड इसको कुछ इस टाइप से लेफ्ट की साइड आपको ले जाना है, ठीक है। एंड आपको कुछ इस टाइप से आपको इसको 43 के अराउंड रख लेना है, एंड फिर राइट क्लिक कर लेना है। ओके, और राइट क्लिक कर लेने के बाद फिर आपको क्रॉस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर व्यू एडिट पे, एंड वाइट बैलेंस पे, फिर ब्रश पे क्लिक करना है गाइस, ठीक है। एंड ब्रश पे क्लिक कर लेने के बाद आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये जो ब्लू ब्लू कलर का इफेक्ट जो हमारे फेस पे आ गया है इसको आपको रिमूव कर लेना है, ठीक है। फेस पे ऐसे चला के आपको रिमूव कर लेना है ये टोन। तो गाइस, हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो ब्लैक कलर, ये जो ब्लू कलर का इफेक्ट था ये हट चुका है हमारे फेस पहले। हट जाने के बाद फिर राइट क्लिक कर लेंगे, एंड गाइस यहाँ पर एक PNG हम ऐड करने वाले हैं, बटरफ्लाई वाला PNG, ठीक है। तो उसको ऐड करने के लिए पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, एंड फिर नीचे की तरफ आएंगे और डबल एक्सपोजर पर क्लिक करेंगे, एंड प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड गाइस, जो बटरफ्लाई वाला PNG है आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से वो PNG का आप लोग डाउनलोड कर लेना। ओके गाइस, ये वाला PNG हम ऐड कर लेंगे बटरफ्लाई वाला, और ऐड कर लेने के बाद बीच वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको लाइटन कर लेंगे, ठीक है। और लाइटन कर लेने के बाद यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो फोटो है हो चुकी है, बिफोर देख सकते हो कैसा था, एंड आफ्टर भी देख सकते हो काफ़ी मस्त लग रही है। और इसको सेव करने के लिए गैलरी में आपको शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपकी जो फोटो है गैलरी में सेव हो जाएगी।
आई होप गाइस कि आपको ये एडिटिंग अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना और ये जो बेल नोटिफिकेशन है इसको भी दबा देना, ठीक है। एंड गाइस कमेंट में जरूर बताना कि आपको एडिटिंग कैसे लगी। बाकी गाइस आप लोग हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करे हो तो इंस्टाग्राम का आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं ऐसे कोई न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।